जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ी है उसको लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। खबर है कि सीमा से सटे सुंदरबनी के क्षेत्र में कई आतंकी लॉन्चिंग पैड बनाकर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में 3 ऐसी जगह हैं जहां बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन भी हासिल है। खबर के मुताबिक ये सभी आतंकी लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकियों ने जिन इलाकों में अपना ठिकाना बनाया है वो तंग धार और उरी सेक्टर के ठीक सामने है। इन लॉन्चिंग पैड को बनाए जाने का मकसद साफ है कि पाकिस्तान इन आतंकियों के सहारे भारतीय सेना पर हमले तेज करना चाहता है और सर्दियों के मौसम में इस इलाके में घुसपैठ में और ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या भारत को फिर से आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? That we have to be ashamed of it, we have to keep it under the wraps. There are intrusion in the border. And we are also eliminating a lot of them at the border itself and not allowing them to come in. I would believe an action of this kind will deter Pakistan from training and sending in terrorists. My action will continue at the border irrespective of whether they've learnt a lesson or not. आपको बता दें कि 2 साल पहले भी भारतीय सेना पीओके में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर चुकी है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। भारत की ये कार्रवाई पाकिस्तान के ना उगलते बनी थी और ना ही निगलते। हालत ये हो गई थी कि एक तरफ वो अपने आतंकियों की लाशों को समेट रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा भी कर रहा था कि उसके इलाके में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। पिछले रविवार जिस तरह से घुसपैठियों ने जम्मू क्षेत्र के सुंदरबनी सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों पर गोलियां चलाई उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि ये सही वक्त है जब आतंकियों के ठिकानों का सफाया किया जाए।